Sunsunny. रहस्यमय महल में अनजानी आवाज। कौन है वहां जो लोगों को डराता है? फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ दहशत का सामना। सनसनी की बड़ी तहकीकात, गुमनाम साए का सच। दक्षिणी दिल्ली के रिज इलाकों में बीहड़ों में छुपा है ये मालचा महल। रात तो क्या, यहां दिन में भी लोग आने जाने से कतराते हैं। कोई कहता है ये महल अभिशप्त है, तो कोई कहता है यहां रहती हैं भटकती आत्माएं। किसी ने यहां गुमनाम साए को टहलते देखा है। कोई कहता है इस महल से आती है किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की रहस्यमय आवाज। सच क्या है? आखिर कौन है वो जो मालचा महल में आने वाले लोगों को डराता है? क्या यहां सचमुच भटकती आत्माएं रहती हैं, या फिर अफवाहों की डरावनी कहानी सालों से दिल्ली के लोगों को डरा रही है? सनसनी में आज हम करेंगे इसकी तहकीकात। आज सामने आएगा मालचा महल के खौफ का सच, वो सच जिसे हर कोई जानना चाहता है। कभी लूट, कभी हत्या, तो कभी बलात्कार। दिल्ली में खौफ के कई चेहरे हैं, डर के कई चेहरे हैं, लेकिन खौफ की इस कहानी का वास्ता है एक महल से, मालचा महल। जी हां, दुनिया इसे मालचा महल के नाम से जानती है। कहते हैं कि इस महल में भटकती हुई रूहों का वास है। कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने इस महल में भटकती हुई रूहों को देखा है। तो क्या वाकई यह सच है, या फिर यह महज एक अफवाह है? सनसनी में आज हम दहशत की इस कहानी की तहकीकात करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा, बेहतरीन अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ। राधिका, कैसा लग रहा है? मन में किसी तरह की कोई बेचैनी, कोई सुगबुगाहट, कोई डर, कोई सवाल? नहीं, अभी तक तो डर नहीं है, पर ये क्यूरियोसिटी है कि ये जगह क्या जगह थी और यहाँ कौन रहता था और क्या हिस्ट्री है इस जगह की। बहरहाल, इस पूरी तहकीकात में राधिका हमारे साथ रहेंगी। इस पूरी यात्रा में मानव हमारे साथ हैं। मानव एक कमाल के अभिनेता हैं। मानव, आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं थोड़ा डरपोक हूं, हल्का तो डरा हुआ हूं। जैसा मानव ने कहा है कि थोड़ा सा डर मानव को लग रहा है, जाहिर सी बात है कि हर किसी को एक ऐसी जगह पर आकर के रोमांच के साथ साथ एक डर की अनुभूति तो होती है। खैर, मानव भी इस पूरी यात्रा में, इस पूरी तहकीकात में हमारे साथ हैं। एक और खास व्यक्ति जो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहेंगे, इस पूरी तहकीकात में हमारे साथ रहेंगे, न सिर्फ रहेंगे बल्कि जगह जगह पर शायद हमें उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी, उनके अनुभव की और उनके अनुभव के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वो हैं गोविंद कुमार, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से हैं। गोविंद का काम ही दरअसल ये है कि इस तरह की जो भी जगह होती है
हॉन्टेड कही जाती हैं, भूतहा कही जाती हैं, ऐसी जगहों की हकीकत वो दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। मालचा महल, दिन के उजाले में यहां दरख्तों के साए डराते हैं और रात में अनजानी परछाइयां सिहरन पैदा करती हैं। चारों तरफ फैली बदबू और महल पर कब्जा जमाए चमगादड़ों की फौज यहां पसरे खौफ को इतना गहरा कर देती है कि मजबूत दिल वाले भी अकेले यहां आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कहते हैं इस महल में एक रानी और उसकी खूबसूरत बेटी की आत्मा भटकती है, वही यहां आने वाले लोगों को डराती है। तो क्या ये सच है? फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे, अभिनेता मानव कौल और जाने माने परा मनोवैज्ञानिक गोविंद कुमार के साथ जब सनसनी की टीम यहां पहुंची तो चारों तरफ घुप अंधेरा था। सब कुछ रहस्य में डूबा। दूर किसी परिंदे की आवाज आ रही थी और महल में पसरी थी निशब्द खामोशी। रात का अंधेरा सन्नाटे के साथ सिहरन पैदा कर रहा था और फिर महल के अंदर आगे बढ़ते ही चमगादड़ों की फौज जाग गई। मालचा महल में अब तक किसी आत्मा से हमारा सामना नहीं हुआ था, लेकिन सिर के ऊपर मंडराते चमगादड़ों की खलबली मानो यही कह रही थी कि इस वीराने में हमारा आना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रात के अंधेरे में मालचा महल खौफ की जीती जागती दुनिया लग रही थी। और तभी हमारे साथ मौजूद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के परा मनोवैज्ञानिक गोविंद कुमार एक जगह पर रुक गए। कुछ था जिसे गोविंद ने शायद महसूस किया और फिर रहस्य की चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने अपने पास से निकाला एक यंत्र। भूतहा कहे जाने वाले सैकड़ों जगहों की पड़ताल कर चुके गोविंद ने हमें बताया कि उनका यह संयंत्र बेहद अनोखा है और अगर मालचा महल में कोई भटकती हुई आत्मा मौजूद होगी तो वो अवश्य उनके इस संयंत्र के जरिए संपर्क करेगी। आगे क्या हुआ अब आप खुद ये देख लीजिए। कोई एनर्जी है हमारे आसपास? अपनी मौजूदगी हमें बताएं, इसमें लाइट जला करके हमें बता सकते हैं आप। मेरे दोस्त राधिका मेरे साथ हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो 3 लाइट मुझे दें। कोशिश करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी से। यहाँ पर सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप जो भी हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे रूबरू हों, कम से कम इस मशीन के जरिए। और अपनी उपस्थिति अगर आपकी यहाँ है तो इस मशीन के जरिए अपनी उपस्थिति हमें बताएं। आप कमज़ोर पड़ रहे हैं मुझे लगता है, आप कोशिश करें और 3 लाइट जला करके बताएं मुझे। राधिका आपको बोल के देखें, क्या पता आपकी बात माने। हाँ राधिका आप बोलिए, शायद आपकी बात सुनें। से समथिंग, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए। घबरा नहीं रहे, आप बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए राधिका भी कोशिश कर रही है इस मशीन के जरिए आप आत्मा से बात करने की। इसके बिल्कुल नहीं, दबाना नहीं है उसको, बस ऑन है वो, आप छोड़ दीजिए। आप बात करने की कोशिश कीजिए, कोई है तो इसमें लाइट जला के। घबराए नहीं आप, अगर यहाँ है तो 3 लाइट जला। जी जी, आप थोड़ा रिहर्सल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राधिका ने जो भी यहाँ पर अगर आत्मा है तो उनका आवाहन किया है,
उनको उनसे गुजारिश की है कि वो आएं और अपनी उपस्थिति इस मशीन के जरिए हमें दिखाने की कोशिश करें, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ है या नहीं है। और राधिका डरती नहीं है, तो आप चौंकिए मत, ये डरेंगी नहीं। राधिका बोलिए, कोशिश कीजिए बोलेंगे। अगर आप यहाँ कोई है तो आप 3 लाइट जला के दिखाइए। मांचा महल में जिस भटकती आत्मा की कहानी से लोग आज तक डरते हैं, हम खौफ की उसी कहानी का सामना कर रहे थे। हमने ठान लिया था कि अगर इस महल में किसी भटकती आत्मा का वास है तो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराना ही होगा। समय गुजरा जा रहा था और हमारी कोशिशें जारी थी। तो हम इस वक्त इस महल के अंदर खड़े हैं। सच में अगर देखा जाए आसपास तो बहुत ही भयावह सा दृश्य है। यहाँ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें, सुरेंद्र और सीके सिंह जी, यहाँ ये देखिए, यहाँ अंदर की तरफ, यानी ऐसी ऐसी जगह हैं जिनमें शायद झांकने से भी व्यक्ति को डर लगेगा। अगर आप ये देखें तो ये अंदर, ये बहुत अंदर तक आप चले जाएं। इसी तरह के बहुत सारे एरियाज यहाँ पर हैं। जाहिर सी बात है, रात तो क्या, दिन में भी शायद लोगों को यहाँ आने से डर लगेगा। सच में बहुत भयानक है ये जगह। लेकिन फिर भी तहकीकात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इस तरह की आत्माओं का कोई अस्तित्व होता है, क्योंकि देखिए विज्ञान तो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और फिर देखते हैं क्या निकलता है। फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे, अभिनेता मानव कौल और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद के साथ दहशत की इस पड़ताल में अब तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया था जिससे मालचा महल में किसी भटकती आत्मा की पुष्टि हो सके। लेकिन इसके बाद भी कुछ था जो अनजाने खौफ को जगा रहा था। मालचा महल में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। बैठने के लिए पुरानी कमजोर कुर्सी, टूटी चौकी, जहां तहां पड़े बर्तन, कुछ फटे पुराने कपड़े। ऐसा लग रहा था कि ये हमें किसी ने डराने के लिए यहां रखे हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल ये बिखरे सामान एक नवाबी खानदान की जिद और उसकी फटे हाल जिंदगी की बची खुची निशानियों में से है। वो निशानी जिसने कभी अवध के नवाबों का जगमगाता दौर देखा था। साल 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जब राजाओं के वंशजों को मिलने वाला विशेष भत्ता और उपाधि खत्म कर दी तो उनकी हालत और खराब हो गई। बताया जाता है कि उसी दौरान अवध के नवाबों की वारिस प्रिंसेस विलायत महल अपने बेटे रजा अली और बेटी सकीना के साथ दिल्ली आई और सरकार से अपना हक मांगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 9 साल के धरने के बाद आखिरकार 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को मालचा महल का मालिकाना हक दे दिया और फिर वो अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगी। टूटे फूटे से इस महल में जहां न तो बिजली है न पानी, वहां प्रिंसेस विलायत महल अपने बेटे रजा अली और बेटी सकीना के साथ कैसे रहती होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। घने जंगलों के बीच जहां हर पल जहरीले सांपों और बिच्छुओं का खतरा है, वहां प्रिंसेस विलायत महल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 28 खूंखार कुत्तों के साथ रहती थी। कहते हैं विलायत महल और उनकी दोनों संतान प्रिंस रजा अली और बेटी सकीना ने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट लिया था। वो अपनी जिंदगी शाही गहने और जेवर बेचकर चला रहे थे। लेकिन ये दौर भी आखिर कब तक चलता? आखिरकार धीरे धीरे सारे जेवरात बिक गए और इसी सदमे में 1993 में विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। 4 साल बाद ही
विलायत महल की बेटी सकीना का भी इंतकाल हो गया, जो खूंखार कुत्ते उनके हिफाजत के लिए थे वो भी भोजन के अभाव में एक एक कर दम तोड़ते चले गए। और फिर इस जर्जर महल में प्रिंस रजा अली अकेला रह गया। कहते हैं विलायत महल की खुदकुशी के बाद से ही उनकी आत्मा इस महल में भटकती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां विलायत महल की बेटी सकीना की आत्मा को भी देखा है। दावा तो यह भी है कि प्रिंस रजा अली हर रोज डाइनिंग टेबल पर अपनी मां और बहन की आत्माओं के लिए खाने की प्लेट भी लगाता था। तो क्या इस खंडहर से महल में रहने वाले प्रिंस रजा अली के साथ हर रोज उसकी मां और बहन की आत्मा भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाती थी? ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही डराने वाली भी। और जब पिछले साल सितंबर महीने में रजा अली की भी मौत हो गई तो खौफ की ये कहानी और भी गहरी हो गई। कहा जाने लगा कि रजा अली की आत्मा भी अब मालचा महल में अपनी मां और बहन की आत्मा के साथ भटकती है। सच क्या है खौफ की इस कहानी के पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम रात के अंधेरे में फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे, अभिनेता मानव गौल और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद के साथ महल के कोने कोने में गई। बातों का सिलसिला जारी था और उसके साथ ही जारी थी भटकती रूहों की तलाश। ये मालचा महल के अंदर का हिस्सा है, ये बहुत ही अंदरूनी हिस्सा है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक किस्म का है। बहरहाल हमारी ये कोशिश है ये समझाने की, आपको ये बताने की कि सच में रूहों का कोई अस्तित्व होता है, आत्माओं का कोई अस्तित्व होता है या नहीं। और इस जर्नी में जैसा मैंने आपसे कहा है कि मेरे साथ राधिका हैं, मानव हैं और एक्सपर्ट हैं गोविंद। तो देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गोविंद अपने कुछ और उपकरणों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं तो हम सब ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच में इस तरह की जो भी जगह होती हैं जो हॉन्टेड प्लेस कहलाते हैं, यहाँ पर सच में ऐसी किसी रूह का अस्तित्व होता भी है या नहीं होता। राधिका, आम जिंदगी में कभी आपका इस तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ा है? कभी आपने रूहों को देखा है या महसूस किया है? या कभी कभी कहते हैं ना कि आप अंधेरे में अकेले में बैठे हैं किसी नदी किनारे या घर में ही और वहाँ एक सिहरन से पैदा हो जाती है, तो कभी कुछ इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ घटित हुई? एक्चुअली मेरे साथ तो कभी नहीं हुई, पर मेरे बहुत कुछ दोस्त है और उन्होंने कभी कुछ कुछ महसूस किया है, पर मैंने कभी कुछ महसूस नहीं किया। पर एक हिस्टोरिकल जगह में गई थी जी। वो बहुत ही one of the biggest tragedies of our history. अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहती जी। पर वहाँ मैं गई थी देखने, तो I remember कि मेरे पैर एकदम कांपने लगे थे, स्टिफ हो गए थे। अच्छा। एनर्जी चली गई थी पैर की। और मुझे लगता है ऑफ कोर्स ये साइकोसोमैटिक भी होगा क्योंकि मुझे पता थी हिस्ट्री उस जगह की, पर एक बहुत ही एक हैवीनेस था मन में और मेरे पैर में जी। और ये मैंने कई और लोगों के मुंह से भी सुना है जब जो उस जगह गए हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद का दावा था कि उनके आधुनिक उपकरण आत्मा की मौजूदगी को बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अब तक ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिससे ये साबित हो सके कि मालचा महल में भटकती रूहों का वास है। दिल्ली का मालचा महल, कहते हैं सदियों पुरानी इस हवेली में भटकती हुई आत्माओं का वास है। घने पीहड़ों के बीच इस जर्जर महल में कई लोग भटकती रूहों को देखने का भी दावा करते हैं। दिल्ली के लोग सालों से खौफ की इस कहानी से डर रहे हैं, मगर आज खौफ की इस कहानी का सारा सच
आपके सामने आएगा। सनसनी की टीम, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद, अभिनेता मानव कौल और अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ रात के अंधेरे में कई घंटे तक इस महल में रही। एक बार यहाँ पे खड़े होके हम इसको बुलाने की कोशिश करते हैं, और मुझे यकीन है कि मैं एक 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 ऐसी आत्मा को बुलाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा ना थोड़ा सा माहौल बताए कि यहाँ क्यों, मतलब यार कौन है ना। ये मैंने दबाया और बस ऑन है। अच्छा ये ऑन ऑन हो गया, एक मिनट। हाँ ऑन है। अब बात कीजिए। सुनिए, आप ज़रूर कोई महिला ही होंगी, नहीं पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आइए, और अगर आप आएँ तो वो तीन लाइट जला दीजिएगा, बड़ा तो हमको पता लग जाएगा कि आप हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर हमारे आसपास है वो थोड़ा माइंड ना करें, क्योंकि मानव जो है थोड़ा मजाकी हैं, और आप उनकी बात को समझें, वो आपसे बात करना चाहते हैं। राधिका, मानव और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद के साथ हमने महल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद के साथ हमने ये जानने की कोशिश की, क्या वाकई ये जगह किसी अदृश्य शक्तियों के कब्जे में है, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यहाँ भटकती आत्माओं की पुष्टि हो सके। आप कोशिश करिए इसमें दो से ज्यादा लाइट जला के हमें बताएं, तीन या चार लाइट जला करके बताएं। आप कोशिश करें, और देखिए घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप तीन लाइट जला करके इसके पास आकर के हमें बताएं, कोशिश करें आप। मालचा महल के अंदर रात के अंधेरे में इधर उधर दौड़ती छिपकलियों और जहां तहां फड़फड़ाते चमगादड़ों के बीच हम कई घंटे तक रुके रहे। घने जंगलों के बीच इस महल में जहरीले सांपों और बिच्छुओं का खतरा तो हमें जरूर नजर आया, लेकिन लोगों को डराने वाली कोई भी आत्मा हमें यहां नजर नहीं आई। विज्ञान कहता है आत्मा, भूत, प्रेत, ये सब मन के वहम है, और लंबी पड़ताल के बाद हमने भी यही पाया कि मालचा महल में किसी भटकती आत्मा का कोई वास नहीं है। जो लोग यहां आत्माओं को देखने का दावा करते हैं वो सिर्फ उनका वहम है, और अब यही वहम अफवाहों की कहानी बनकर दूसरे लोगों को भी डरा रहा है। ऐसे में जो लोग मालचा महल की भूतहा कहानी से डर रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे, डरना मना है। फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे, अभिनेता मानव कौल और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गोविंद का भी यही कहना है, मालचा महल की डरावनी कहानी से अब ना डरना। मानव, ये और बता दें दर्शकों को, हमारे बताएं कि आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, और जो लोग आत्माओं के नाम पर पूरा एक आडंबर, एक कारोबार चला रहे हैं इस वक्त, तो क्या उस झमेले में पड़ना, उस जंजाल में फंसना क्या ठीक है? क्योंकि भोले भाले लोगों को बहुत बहकाया जाता है इसके नाम पर। मेरा सिर्फ एक कहना है कि जो फालतू घर पर बैठे हैं, कुछ काम करो तो कुछ नहीं दिखेगा, फालतू बैठोगे, बैठे रहोगे तो सब दिखेगा, ठीक है? तो बिजी रहो, अपना काम करो, दूसरों के लिए काम करो, अपने बारे में सोचना बंद करो। जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं उनको सिर्फ भूत दिखते हैं। मालचा महल में कई घंटे बिताने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरअसल भूत, प्रेत और आत्माएं, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं होता, और हम भी इसी बात को मानते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी से नकारात्मक विचारों को हटाएं और एक नई हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डरना मना है। सनसनी।